नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ना मैं फिर से रेगुलेशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। मैंने अभी तक आपको रेगुलेशन 72 तक दे दिया है भाई, आज मैं स्टार्ट करता हूं 73 से। ठीक है, तो भैया 73 में ना दो क्वेश्चन बनते हैं, और 73 में क्या है? फेंसिंग के मैंने एक पूरा वीडियो आपको दिया हुआ है, आप मेरे लिंक पे जाके देख सकते हैं। उस पर करीब 27-28 क्वेश्चन है फेंसिंग टॉपिक के ऊपर में। ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे हैं फेंसिंग रेगुलेशन के ऊपर में। तो भैया रेगुलेशन से इसमें ना दो ही क्वेश्चन बन के आता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रत्येक वॉकेबल एंट्रेंस पे हम लोग क्या लगाते हैं, किस प्रकार का फेंसिंग या गेट लगाते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक वॉकेबल, ये जो वर्ड है ना वॉकेबल, यही ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रत्येक माइंस में वॉकेबल एंट्रेंस पे हम लोग क्या लगाएंगे, सब्सटेंटियल या फाटक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉकेबल एंट्रेंस पे सब्सटेंटियल या फाटक। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन के आता है कि अगर अंडरग्राउंड माइंस में कोई भी मैन पावर नहीं है, एक भी आदमी अंडरग्राउंड माइंस में नहीं है, तब इस जो फाटक है इसको हम लोग को किस प्रकार से रखना है। वॉकेबल एंट्रेंस पे जो हम फाटक लगाए हैं उसको तब किस रूप में रखना है हम लोग को कि जब अंडरग्राउंड में कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी मैन पावर नहीं है। तो भैया किस प्रकार रखेंगे? उस फाटक में हम लोग ताला लगाकर रखेंगे। ठीक है, 73 खत्म। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं 74 का क्वेश्चन क्या आएगा। पहला क्वेश्चन इसमें बता दूं आपको, इसमें टोटल चार क्वेश्चन बनेंगे। 74 में टोटल चार क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि प्रत्येक माइंस में कितने आउटलेट्स बनेंगे, यानी बाहर जाने का रास्ता मिनिमम कितना होगा। कितना होगा भैया? टू आउटलेट्स मिनिमम होगा। प्रत्येक माइंस में टू आउटलेट्स अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बन के आएगा आपके पास कि अगर किसी कारणवश अगर मेरा टू आउटलेट्स बन के तैयार नहीं है, वैसी स्थिति में क्या होगा कि दूसरा आउटलेट बनाने के लिए हमको मैन पावर की जरूरत है, मैन पावर हमको शाफ्ट में या इंक्लाइन में उतारना ही पड़ेगा। तो भैया बिना टू आउटलेट्स के मैन पावर लगाने के लिए जो परमिशन है वो कौन देगा हमको? क्या बोल रहा है कि बिना टू आउटलेट्स के मेन पावर लगाने की परमिशन कौन देगा? भैया सीआई देगा आपको। कौन देगा? सीआई देगा। ठीक है, अब जाता है इसमें इंस्पेक्शन से क्वेश्चन आता है। क्या बोलता है कि शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स की जांच कौन कितने दिनों में करेगा। शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट्स की जांच कौन और कितने दिनों में करेगा? तो भैया इसकी जांच कौन करेगा? ओवरमैन, कॉम्पिटेंट पर्सन कितने दिनों में करेगा? 7 दिनों में एक बार करेगा। ठीक है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन बनेगा कि मैकेनाइज माइंस का जो आउटलेट्स है या मैकेनाइज आउटलेट्स जो है उसकी जांच कितने दिनों में की जाएगी भैया? तो उसकी जांच 7 दिनों में की जाएगी। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भाई ये इंस्पेक्शन, ये जांच कौन कौन करेगा मैकेनाइज आउटलेट का, तो भैया इसका जांच करेगा इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फोरमैन और इंजीनियर द्वारा ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट पर्सन। कौन कौन करेगा मैकेनाइज आउटलेट का इंस्पेक्शन 7 दिनों में? इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फोरमैन और इंजीनियर द्वारा ऑथराइज्ड कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। ठीक है, चलो 74 आपका खत्म। अब हम लोग बात करते हैं 76 की। 76 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया वाइंडिंग इंजन चलाने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। वाइंडिंग इंजन जो भी ऑपरेटर चला रहा है उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है? तो भैया उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कौन सा सर्टिफिकेट? वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना
अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है क्वेश्चन नंबर टू में, ध्यान से सुनिएगा, ये चार भाग में बटा हुआ है, क्वेश्चन एक ही है कि वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट कहां आवश्यक नहीं है। हम वाइंडिंग चला रहे हैं लेकिन हमको उस वाइंडिंग के लिए हमको वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट वाला ड्राइवर जरूरी नहीं है। किस किस परिस्थिति में नहीं है? पहला, जब उस इलेक्ट्रिकल वाइंडन का जो मोटर कैपेसिटी होगा वो 30 HP का होगा। पहला, वाइंडिंग का मोटर कैपेसिटी 30 HP। दूसरा टर्म क्या होगा इसमें कि वो कम स्टीम से और कंप्रेस्ड एयर वाला वाइंडिंग इंजन होगा। कौन कौन सा? स्टीम और कंप्रेस्ड एयर वाला। ठीक, तीसरा टर्म क्या होगा कि इसमें जो सिलेंडर लगा हुआ है उसका डाया 18 cm से अधिक नहीं होगा। और चौथा, इसमें किसी भी परिस्थिति में आदमी ऊपर नीचे नहीं करेगा या इसमें आदमी का चढ़ना मनाही। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाला जो है वो ड्राइवर वो किस परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। तो पहला, वाइंडिंग इंजन का जो मोटर कैपेसिटी वो आपका 30 HP का होना चाहिए। दूसरा, वो जो वाइंडिंग है स्टीम और कंप्रेस्ड एयर वाला होना चाहिए। तीसरा क्या है, उसका सिलेंडर का डाया 18 cm से अधिक नहीं होना चाहिए। और चौथा, उसमें किसी भी परिस्थिति में आदमी ऊपर नीचे नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में कि RI रीजनल इंस्पेक्टर की सिफारिश पर वाइंडिंग इंजन मैन जो होता है उसका वर्किंग आवर कितना हो सकता है, क्योंकि भाई इंजन ड्राइवर का जो काम है वो काफी टफ होता है। तो इस पर विचार करते हुए क्या करता है कि RI एक सिफारिश दे सकता है कि वर्क जो इंजन ड्राइवर जो है उसका वर्किंग आवर कुछ कम किया जाए, लेकिन वो कितना कम किया जाए। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि रीजनल इंस्पेक्टर की सिफारिश पर वाइंडिंग इंजन मैन का जो है वर्किंग आवर कितना हो सकता है, नॉट लेस देन 5 आवर, 5 घंटे से कम नहीं होगा। एक इंजन ड्राइवर का वर्किंग आवर है कितना होगा, 5 घंटे से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 5 आवर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन 77 की, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर एग्जाम में कि न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन से कितने दिन पहले ऑनर एजेंट और मैनेजर किसको इंफॉर्मेशन देगा। तो भैया 60 दिन पहले CI और RI को इंफॉर्मेशन देगा। न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन से पहले ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, 60 दिन पहले किसको खबर करेगा, CI और RI को खबर करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन 78 की, इसमें दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अब आ रहा है वाइंडिंग का असली चैप्टर, यहां से शुरू होता है रेगुलेशन का सबसे पेचीदा, अगर बोला जाए ना रेगुलेशन, और सबसे लंबा चैप्टर भी आएगा। और वाइंडिंग दोस्तों मैं बता दूं कि वाइंडिंग से आप माइनिंग का कोई भी एग्जाम दीजिए, समझ गया, एकाद क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा टर्म है ना, बहुत ऐसा मेजरमेंट है जो दिमाग से ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि वाइंडिंग से आपका एकाद दो क्वेश्चन दागेगा ही दागेगा। ठीक है, और ये जो मैं दे रहा हूं ना, ये समझ लीजिए कि वाइंडिंग का ही आपको पूरा चैप्टर जा रहा है, यहां से शुरू हो जाता है वाइंडिंग का आपका चैप्टर। ठीक है, चलिए क्या बोलता है इसमें पहला क्वेश्चन कि वाइंडिंग रोप एंड हेड गियर पुल्ली के बीच के डिस्टेंस कितना होगा। क्या बोल रहा है, वाइंडिंग रोप एंड हेड गियर पुल्ली के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री। ठीक है, और अगर इसी को घुमा के ये दाग दे कि एंगल ऑफ फ्लिट कितना होगा भैया, तो उसका भी आंसर 1.5 डिग्री होगा। इसमें दो क्वेश्चन, वाइंडिंग रॉक एंड हेड गियर पुल्ली के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, और एंगल ऑफ फ्लिट जो अगर पूछते तो वो भी है
1.5 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि वाइंडिंग ड्रम एंड पुल्ली के बीच का डाया, किसके किसका डाया, वाइंडिंग ड्रम एंड पुल्ली के बीच का डाया रॉब के डाये से कितना गुना अधिक होगा या कितना होगा, कितना गुना होगा, 100 गुना होगा। क्या चीज पूछ रहा है, वाइंडिंग ड्रम एंड पुल्ली का डाया रॉब के डाये से कितना गुना होगा, 100 गुना होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 79 की। इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें कि जब केज शाफ्ट के सबसे निचले काम की जगह पर है, यानी क्या है कि मेरा जो केज है वो बिल्कुल बॉटम पर है, लास्ट पॉइंट पे है, तो उस समय ड्रम में कितना रास्ता बचा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि जब केज जो है वो शाफ्ट के सबसे निचले पॉइंट पर है तो उस समय जो हमारा वाइंडिंग में ड्रम में कितना रास्ता होना चाहिए, तो टू टर्न रास्ता होना चाहिए, कितना रास्ता होना चाहिए, टू टर्न। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि इंजन स्टीम और कंप्रेस्ड एयर से चल रहा है, किससे चल रहा है, इंजन वाइंडिंग इंजन स्टीम और कंप्रेस्ड एयर से चल रहा है, तो स्टॉप बल्ब को किस रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि वाइंडिंग किससे चल रहा है, स्टीम और कंप्रेस्ड एयर से चल रहा है, तो वैसे स्थिति में हम लोग स्टॉप बल्ब जो है उसको किस रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो भैया उसको हम लोग कंट्रोल बल्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, किस रूप में, कंट्रोल बल्ब के रूप में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है हम लोग अगला पॉइंट, क्या है भैया, रेगुलेशन 80। ठीक है, चलिए इसमें दिखाते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्या बन के आता है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन के आएगा दोस्तों कि डेप्थ ऑफ इंडिकेटर या डेप्थ इंडिकेटर अगर हम कहें, ये क्या दर्शाता है। देखिएगा वाइंडिंग जहां पर बैठता है ना ऑपरेटर, वहां पर ऐसे करके गोल करके घूमता है, ठीक है, वो हमेशा सुई की तरह ऐसे घूमेगा, तो क्या है वो, डेप्थ इंडिकेटर है। तो वो डेप्थ इंडिकेटर क्या दिखाता है, वो दिखाएगा पोजीशन ऑफ केज, केज की स्थिति। डेप्थ इंडिकेटर क्या दर्शाता है, केज की स्थिति दिखाता है, पोजीशन ऑफ केज दिखाता है। ठीक है, अब आइए एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत चकरा देने वाला क्वेश्चन, ये आपको लगभग किताब में नहीं मिलेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से देता हूं क्योंकि हमारे अपॉइंटमेंट के लिए एक्सपीरियंस भी जरूरी है। कहा जाता है ना भाई कि आफ्टर डिप्लोमा एक साल का पीडीपीटी एक्सपीरियंस मिलेगा तभी ओटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो एक साल का एक्सपीरियंस वाला बेस्ट पे क्वेश्चन मैं आपको डालता हूं कि ये जरा बताइए कि बैंक्समैन जो है वो सिग्नल कहां से देता है और अनसर्टन सिग्नल कहां से देता है, है ना भाई, अजीब सा क्वेश्चन है, कहीं रेगुलेशन कहीं किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ये क्वेश्चन आपसे मैं डालता हूं कि बैंक्समैन सिग्नल कहां से देता है, तो बैंक्समैन सिग्नल देगा शाफ्ट के टॉप से और ऑन सेटर कहां से देगा, बॉटम से। ध्यान रखिएगा इस बात को, बैंक्समैन सिग्नल कहां से देगा या वो अपना ऑपरेशन कहां से करता है, टॉप से करता है शाफ्ट के, और ऑन सेटर बॉटम से करता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलिए अगला कि वाइंडिंग में कितने सिग्नल सिस्टम होते हैं, दो। वाइंडिंग में सिग्नल सिस्टम कितना होगा भैया, दो, पहला इलेक्ट्रिकल और दूसरा क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि शाफ्ट के बॉटम में जहां पर डोली लैंड करता है उसके ऊपर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसपे क्या होता है कि अगर शाफ्ट के ऊपर से कुछ गिर जाए तो बेसमेंट में या बॉटम में आदमी को चोट घाट नहीं लगे, या जो गिरे वो पूरा बेस पे नहीं आके ऊपर में ही रुक जाए, वो जो व्यवस्था होती है ना उसको क्या बोलते हैं, वो कहां होगी, ठीक बॉटम से जहां पर डोली रुकता है वो दोनों को हाइट से थोड़ा सा ऊपर लगा रहता है, उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, जो रूफ को किसी भी चीज ऊपर से गिरता है तो उसको रोक लेती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव रूफिंग, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव रूफिंग बोलते हैं उसको।
अब एक क्वेश्चन प्रोटेक्टिव रूफिंग से आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि जब डोली साफ की तली पर है तो क्या है, डोली साफ की तली पे, तली पर है तो डोली की छत, डोली की जो छत है और प्रोटेक्टिव रूफिंग के छत के बीच का गैप क्या होगा। मैंने बताया था ना दोनों बीच में गैप होता है, तो ये जो गैप है जहां पर डोली है और प्रोटेक्टिव रूफिंग के बीच का जो गैप है वो कितना होगा, वो होगा भैया हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर। कितना होगा हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, कितना होगा नॉट लेस मोर देन 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं रेगुलेशन नंबर 81। अब इसमें क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन लेके क्या आ रहा है भैया इसमें, कि फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के, कौन सा वाइंडर, फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के अन्य वाइंडर में रोप तथा बकेट के बीच कौन सा हुक लगाया जाता है। फ्रिक्शन वाइंडर को अगर हम छोड़ दें तो वाइंडर में रोप तथा बकेट के बीच में कौन सा हुक लगाया जाता है। इसमें दो चीज होता है, एक तो अगर ऑप्शन डिटेचिंग हुक दे दे तो आप डिटेचिंग हुक मारिए, और डिटेचिंग हुक को ही हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेफ्टी हुक। तो इस पे ऑप्शन देख लीजिएगा भाई, अगर डिटेचिंग हुक दिया हुआ तो डिटेचिंग हुक मारिए, सेफ्टी हुक दिया है तो सेफ्टी हुक मारिए, अगर दोनों दिया है ए और बी तो भैया ए और बी मारिए। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखिएगा, डिटेचिंग हुक इक्वल टू सेफ्टी हुक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कि फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के अन्य वाइंडर में रोप तथा बकेट के बीच कौन सा हुक लगता है, सेफ्टी हुक या डिटेचिंग हुक। ठीक है, अब आ रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, कि जब वाइंडिंग ऑन द शाफ्ट, वाइंडिंग क्या है ऑन द शाफ्ट, नॉर्मल कंडीशन में, कौन सा कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो सेफ्टी हुक के होल, किसका होल, सेफ्टी हुक का जो होल है जिससे रोप सेकल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, रोप सेकल लगाया जाता है, तो डिटेचिंग बेल और प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। क्या बोल रहा है कंडीशन, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, जब वाइंडिंग क्या है ऑन द शाफ्ट, नॉर्मल कंडीशन है, पहला चीज। दूसरा क्या बोलता है, कि सेफ्टी हुक के होल जिससे रोप सेकल लगाया जाता है तो डिटेचिंग बेल और प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसमें दो क्वेश्चन लगेगा, अगर गियर वाला है तो क्या होगा, अगर गियर वाला है इंजन तो होगा नॉट लेस देन 1.8 मीटर। ठीक है, और अगर बिना गियर वाला है तो क्या होगा, नॉट लेस देन 3.6 मीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है कि एवरी शाफ्ट फॉर ओवर स्पीडिंग, क्या बोल रहा, ओवर स्पीडिंग और ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए वाइंडिंग में क्या लगाया जाता है, किसकी चीज को रोकने के लिए, स्टॉप ओवर स्पीडिंग और स्टॉप ओवर वाइंडिंग, इसको रोकने के लिए कौन सा जुगाड़ है भाई वाइंडिंग में, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस। क्या है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस, और ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस, दूसरा क्वेश्चन ये दाग दे कि ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस जो है वह वाइंडिंग को कैसे कंट्रोल करता है, तो वाइंडिंग को ऐसे कंट्रोल करता है भाई कि ये जो है ना ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस, ये वाइंडिंग की स्पीड को किसी भी समय 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा का स्पीड नहीं देगी, उससे ज्यादा ही होने ही नहीं देगी, किससे ज्यादा, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस कैसे कंट्रोल करता है, तो ये इसके स्पीड को क्या करेगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं होने देता है, इसीलिए क्या करता है कि इसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग को वाइंडिंग के स्पीड में किसी भी तरह का फेरबदल करना है तो, वाइंडिंग के स्पीड में किसी भी तरह का हम लोग को फेरबदल करना है तो इसका परमिशन भैया कौन देगा, तो इसका परमिशन देगा सीआई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग, क्या बोलता है इसमें, टेस्टिंग ऑफ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेवेंस और ब्रेक, ये कौन करेगा भाई, किसका टेस्टिंग, ब्रेक और
ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंस का जो टेस्ट है, जो एग्जामिन या जांच है, वो कौन करेगा? तो भैया वो करेगा इंजीनियर, या इंजीनियर द्वारा ऑथराइज पर्सन करेगा या कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, इंजीनियर या इंजीनियर द्वारा ऑथराइज। कौन, किस किस चीज का इंस्पेक्शन? ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंस और ब्रेक का। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये दोनों चीज में दो क्वेश्चन और निकल के आता है कि भैया मिनिमम 7 दिन में किसका चेक होगा और मिनिमम 3 मंथ में किसका चेक होगा। तो मिनिमम 7 दिन में किसका चेकअप होगा भैया? टॉप मोस्ट लैंडिंग के लास्ट कंट्रोल पॉइंट के ऊपर उठाकर, वाइंडिंग को कहां तक ले जाकर? टॉप मोस्ट लैंडिंग के लास्ट कंट्रोल पॉइंट से ऊपर उठाकर उसका जो एग्जामिन है कितने दिन में करेंगे? मिनिमम 7 दिन में एक बार। और दूसरा इसके टर्म है 3 मंथ। भाई 3 मंथ में कौन सा ब्रेक का ये करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और कैसे करेंगे? तो जो 3 मंथ में जो हम लोग टेस्ट करेंगे ब्रेक का, वो क्या करेंगे, डोली को नीचे उतारते हुए और एक्सेसिव स्पीड पर हम लोग ब्रेक का टेस्टिंग करेंगे। 3 महीने में क्या करेंगे, नीचे उतरने वाली डोली की एक्सेसिव स्पीड। ये पॉइंट याद रखिए, ब्रेक का टेस्टिंग 3 मंथ में एक्सेसिव स्पीड के ऊपर में हम लोग को, नीचे उतरते हुए जो डोली है उसका एक्सेसिव स्पीड के ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला 7 दिन में क्या करेंगे, टॉप मोस्ट लैंडिंग के लास्ट कंट्रोल पॉइंट से ऊपर उठा के करेंगे, और 3 महीने में क्या करेंगे, उसको नीचे उतरते हुए एक्सेसिव स्पीड के ऊपर में हम लोग को टेस्ट करना है। ठीक है, अब क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइंडिंग का, कि भैया जब डोली पे आदमी चढ़ा हो, जब डोली पे आदमी सवार हो, मेन सवार हो, उस समय डोली की स्पीड क्या होगी? तो भैया उस समय डोली की स्पीड होगी नॉट मोर देन 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्या होगी? नॉट मोर देन 1.2 मीटर पर सेकेंड। डोली सवार जब होगा आदमी पे, डोली पर जब आदमी सवार होगा तो स्पीड क्या होगा वाइंडिंग का? नॉट मोर देन 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, डोली में एक चीज देखा होगा आपने ना, ऐसे करके फाटक लगा रहता है, घुसते हैं तो उसके बाद फाटक गिरा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं उसकी साइज की, वो जो फेंसिंग, वो जो फाटक है ना, उसकी साइज की। तो उसमें दो चीज, पहला टल्ली से जो पहला फेंसिंग लगा हुआ है या पहला जो रॉड लगा हुआ है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए या उसका गैप कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन? कि डोली पर लगे रिजिड फेंसिंग का साइज, रिजिड फेंसिंग का साइज किस कंडीशन में, कि सबसे निचले भाग का गैप कितना होगा? तो नॉट मोर देन 15 सेंटीमीटर। और दो डंटों के बीच का गैप कितना होगा? तो नॉट मोर देन 25 सेंटीमीटर। तल्ली से पहले 15 सेंटीमीटर और दो डंडे के बीच में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि केज में एक आदमी के लिए कितना स्पेस होगा, कितना जगह होगा? एक आदमी के लिए डोली में कितना जगह पर्याप्त है, कितना जगह? रेगुलेशन बोलता है, क्या बोलता है? 0.2 स्क्वायर मीटर एक आदमी के लिए मस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का मैं वीडियो यहीं पर रोकता हूं, आप लोगों से पूरा गुजारिश करूंगा, मेरी हिम्मत को इसी तरह बढ़ाते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पे जो अभी नए सब्सक्राइबर है उसके लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको मिलेगा ओपन कास्ट वीडियो, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग, एग रूल, उसके साथ 2 रेस्क्यू रूल मिलेगा। और इस तरह के जब आप मेरे चैनल को जब सर्च करिएगा ना तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लगभग 50-55 वीडियो है दोस्तों। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया हूं, प्लेलिस्ट बढ़िया से नहीं बना पाया हूं, इसलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो जब आप भी मेरी वीडियो को अगर नए सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक बार पूरे वीडियो को सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा मसाला मिलेगा इसी तरह से। और मेरा दावा है कि मैं अब 2-4 वीडियो जो है ना आपका, ये लगातार रेगुलेशन और 2-4 मैराथन अलग अलग टॉपिक पे, ओपन कास्ट हो गया या अंडरग्राउंड हो गया, उस पर मैं देता चला जाऊंगा, क्योंकि अब जो है ना एग्जाम की घंटी बज चुकी है। तो दोस्तों मैं पुनः आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे प्रत्येक जो ये जो मेहनत है ना मेरा, इसमें पुरस्कार स्वरूप दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।